चालू करते गाइस अभी वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है? दिस इज टिश्यू प्लास्मिडोजेन एक्टिवेटर्स, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू लाइक योर एग्जाम्स, तो अब अपन कवर करते हैं फटाफट। तो पहले तो मालूम पड़ना चाहिए अपने को कि टिश्यू प्लास्मिडोजेन एक्टिवेटर होता क्या है एग्जैक्टली, कैसे काम करते हैं ये लोग, एंड व्हाट आर द मतलब बोलते हैं ना वर्क एथिक्स क्या है भाई ये लोग का, मतलब ये लोगों का, ठीक है ना? तो टिश्यू प्लास्मिडोजेन एक्टिवेटर्स हमारे पास है ऊपर, कैसे बोलूँ मैं आपको, हाँ ठीक है। सो टी ए एक्टिवेटर्स, ठीक है? आई होप यू आर एबल टू सी दिस। टिश्यू प्लास्मिडोजेन एक्टिवेटर्स आपको ना फटाक से मैं एक बना के दिखा देता हूँ। एक मेरे पास किरी त्रिपाठी का ये एक डायग्राम शायद सबको याद आया होगा, कैसे दिखता है वो बताता हूँ आपको। तो इधर लिख देते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक और इधर लिख देते हैं हम लोग इंट्रिंसिक, ठीक है? एक्सट्रिंसिक लिख दिया, इंट्रिंसिक लिख दिया, बराबर। और हमारे पास जो प्लाज्मिनोजन था तो लिख देते हैं प्लाज्मिनोजेन कन्वर्टेड इंटू प्लाज्मिन, ओके ठीक है? और इधर भी मैं लिख देता हूँ एक्सट्रिंसिक, इधर भी लिख देता हूँ इंट्रिंसिक। तो भाई एक्सट्रिंसिक का मीन कि हम लोग बाहर से एजेंट्स दे रहे हैं, मतलब बॉडी को दे रहे हैं ताकि टू डू सम फिजियोलॉजिकल एक्शंस। इंट्रिंसिक है जो मतलब बॉडी के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है केमिकल्स, उसको यूज करके वो कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है? नाउ ऊपर की तरफ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्टिवेटर्स एंड नीचे की तरफ आई एम गोइंग टू डिस्कस द इनहिबिटर्स। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है इंट्रिंसिकली, दैट इज टीपीए। चलो ये तो मुझे पता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर राइट इज द वन हु इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन इंट्रिंसिकली, करेक्ट है? अच्छा एक और कोई चीज़ है जो उसको कर सकती है? यस इट इज फैक्टर 12a, ठीक है? फैक्टर 12a भी कर सकता है काम, ओके? एक्सट्रिंसिकली अगर कोई है कोई चीज़ तो अपने पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट इस एस पी के स्ट्रेप्टोकाइनेज, फिर यूरोकाइनेज, फिर अल्टेप्लास, ठीक है? फिर देखो यूरोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज अल्टेप्लास है हमारे पास, ठीक है? ये सब जो चीज़ें हैं हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिडोजेन एक्टिवेटर, ये एक्सट्रिंसिकली हम देंगे ताकि एक्टिवेट करें इसको। सो व्हाट आर दीज गोइंग टू डू, दीज आर गोइंग टू एक्टिवेट दिस कैस्केड। नाउ वी हैव टू गिव समथिंग विच विल इनिबिट दिस, ये अगर ज़्यादा बन जाए तो हम इसको इनिबिट कैसे करेंगे, हाउ वी गोइंग टू इनिबिट दिस इन द फर्स्ट प्लेस। तो एक्सट्रिंसिकली अगर हम कुछ एजेंट्स दे सकते हैं, दैट इज ट्राइसिनेमिक एसिड, बराबर है? और इंट्रिंसिकली आप देख सकते हो अल्फा टू एंटीप्लाज्मिन। नाउ दिस विल इनिबिट, ये चार्ट अगर आपको याद रहता है तो टॉपिक क्लियर है सही होता है, ठीक है? हाँ तो मैं आपको एक भूल गया था, पर टेनेक्टेप्लाज है वो, हर एक काम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, चारों के चारों हम डिस्कस करेंगे टिश्यू प्लास्मिडोजेन एक्टिवेटर के अंदर, सो स्टे ग्लूड, ओके? तो ये तो हमारा एक नॉर्मल जो है, मैं इसके थ्रू से एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको। तो होता ये है कि हमारे बॉडी में जब भी क्लॉट फॉर्म होता है, जो भी फॉर्म होता है, हमारा फाइब्रिन फॉर्म होता है या थ्रॉम्बस, तो हमारे फाइब्रोलिटिक्स आ जाते हैं जैसे ही रिपेयर हो गया। समझो अभी आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको किधर कट वट लग गया है, क्लॉट बन गया है, ब्लड रुक गया है ना, एंड एट द एंड जब आपका रिपेयर हो गया, आपके बॉडी ने सोच लिया कि भाई आपका रिपेयर अभी ख़त्म हो गया है, तो वी नीड टू रिमूव द क्लॉट, ओके? तो क्लॉट कैसे रिमूव करेगी बॉडी, बॉडी रिलीज करेगी सेरीन प्रोटीज प्लाज्मिन, ठीक है? सेरीन प्रोटीन प्लाज्मिन जो रहता है इट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मिनोजन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। नाउ जैसे ही कन्वर्जन मतलब प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन जो है, प्लाज्मिन मतलब वही सेरीन प्रोटीज प्लाज्मिन वही है जो बेसिकली आपके फाइब्रिन के क्लॉट, फाइब्रिन जो आपके बेसिकली है उसको इनसोल्युबल से सोल्युबल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, ओके? तो इन शॉर्ट इट विल डिजॉल्व द क्लॉट, क्योंकि क्लॉट की अभी ज़रूरत नहीं है। इज अ क्लॉट नीडेड? नो नो इट्स नॉट नीडेड, राइट? तो उसको निकालने के लिए हम प्लाज्मिन यूज कर सकते हैं। नाउ
टिश्यू ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेटर इज द वन हु इज गोइंग टू ओनली अटैक द प्लाज्मेनोजेन. ओके, टिश्यू ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेटर क्या करता है, प्लाज्मेनोजेन ही है ना नाम के अंदर, उसके प्लाज्मेन को कन्वर्ट करेगा प्लाज्मेन के अंदर. तो टीपीए से उसको पकड़ेगा, कौन से प्लाज्मेनोजेन को पकड़ेगा, नॉर्मल सर्कुलेटिंग प्लाज्मेनोजेन को पकड़ेगा कि बाउंड प्लाज्मेनोजेन को पकड़ेगा. ठीक है, बाउंड प्लाज्मेनोजेन को पकड़ेगा. ऐसा प्लाज्मेनोजेन को पकड़ेगा वो जो फाइब्रिन को बाउंड हो, उसको पकड़ेगा. फाइब्रिन कौन सा, अपना क्लॉट. ठीक है, क्लॉट को जो प्लाज्मेनोजेन बाउंड होगा उसी को सिर्फ वो एक्ट करेगा, सर्कुलेटिंग प्लाज्मेनोजेन को एक्ट नहीं करेगा. समझ में आपको. इसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ही वो बाउंड करेगा, उसको बाइंड करेगा, प्लाज्मेन अपना आ जाएगा भाई, प्लाज्मेन अपना एक्टिवेट हो जाएगा, प्लाज्मेन अपना फाइब्रिन को ब्लॉक वॉक मतलब तोड़ वोड़ देगा. ठीक है, चलो ये तो बात ठीक होगी. अभी दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता था कि ये चलो हो गया. नाउ ऐसा भी हो जाएगा कि इस प्रोसेस को रोकना भी पड़ेगा हमको एक बार, तो उसके लिए कौन आएगा, उसके लिए एंटी प्लाज्मिन आएंगे. एंटी प्लाज्मिन कम एंड इनिबिट दिस प्रोसेस, है कि नहीं. अच्छा, क्या टीपीए का भी एक इनिबिटर है? यस इट इज, इट इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनिबिटर 1 एंड 2. सो PAI 1 एंड 2 आर द वंस वर्किंग टू इनिबिट दिस दिस थिंग. ये एरो इधर होना चाहिए था ना, इधर बना दिया मैंने. दिस इज गोइंग टू बी द वन इज गोइंग टू इनिबिट दिस. ठीक है, नाउ ये सब तो इनिबिशन यहाँ पर हो गया. अब कल को अगर आपका एंटी प्लाज्मिन जो है वो डिप्लीट हो गया, इतने ज़्यादा प्लाज्मिन बन गए आपके बॉडी के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर इतने सारे प्लाज्मिन बन गए कि भाई एंटी प्लाज्मिन तोड़ मतलब प्लाज्मिन को इनएक्टिवेट करते करते रुक गया भाई, ये बोलना भाई मेरे पास और कोई ताकत नहीं, मैं इसको प्लाज्मिन को और रोक नहीं सकता, तब क्या होगा कि प्लाज्मिन विल रिमेन इन द प्लाज्मा, चाहे फाइब्रिन हो या फाइब्रिन ना हो, इट विल सर्कुलेट इन द प्लाज्मा. और ये जो होता है ना, ये भैया भोकाल करता है ये. ठीक है ना, ये ना देखता है राइट ना देखता है लेफ्ट, ये सिलेक्टिव नहीं है. ये फाइब्रिनोजन को तोड़ेगा तो तोड़ेगा, फाइब्रिनोजन नहीं मेरे को बोल रहा हूँ, उसको जो दिखेगा उसको तोड़ देगा, मतलब फाइब्रिन को क्लॉट को तोड़ना ही है उसको. उसके साथ साथ ये कोगुलेशन फैक्टर लाइक फाइब्रिनोजन उसको भी इनिबिट कर देता है. ठीक है, तो क्लॉट बनेगा नहीं, क्लॉट बनेगा नहीं तो फिजियोलॉजिकल जो थ्रोम्बा है, जो क्लॉटिंग जरूरत है वो बनेगा नहीं, एंड विल लीड टू हिमराज. सो दिस गोज ओवर ड्राइव, दिस कैन लीड टू अ सर्टन कंडीशन इज कॉल्ड एज हिमराज. आई होप दैट यू एबल टू, नहीं मेरे को लगता नहीं आपको दिखा, तो मैं इधर लिख देता हूँ हीमो. ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैं बोल सकता हूँ एक इंट्रोडक्शन ही है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडिविजुअल ड्रग्स दैट आर देयर. सो विल स्टार्ट विथ स्ट्रेप्टोकाइनेस. ओके, नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट द अदर ड्रग्स. ठीक है, हो गया, अपने ही भाई लोग हैं, पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस से बात चालू कर लेते हैं. तो STK की बात अगर हम करें तो दिस इज डेराइव फ्रॉम बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकाई लिख दो यार, इस ऑर्गेनिज्म से बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से ही निकलता है. ओके, STK जो बेसिकली है ये है इनएक्टिव, बट जैसे ही ये बाइंड होता है विथ प्लाज्मिनोजन, ठीक है, इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. व्हाट कॉम्प्लेक्स? एन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स. ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जाके दूसरे प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा और फिर ये जो है प्लाज्मिन में कन्वर्ट होके फिर ये फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करेगा. समझा ये साइकिल कैसा है? तो ये कैसे काम करता है, ये इनडायरेक्ट इनिबिटर है, इनडायरेक्ट फाइब्रोलाइटिक है. हम लोग ड्रग्स जैसे पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली प्लाज्मिन को जाके भी बोलेंगे भाई तू बन जा प्लाज्मिन, हम तेरे साथ हैं. बट ये जो है ना इनडायरेक्टली काम करता है, इसको लफड़े फंसना नहीं है. ठीक है, इनडायरेक्टली काम करता है ये. नाउ बिकॉज ऑफ इट बीइंग इन बिकॉज ऑफ इट बीइंग नॉन सिलेक्टिव, इट कैन अटैक प्लाज्मिनोजन विच इज जस्ट, मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए था कि प्लाज्मिनोजन वही प्लाज्मिनोजन को बेसिकली अटैक करना चाहिए जो फाइब्रिन से बाउंड हो. ऐसे प्लाज्मिनोजन को अटैक नहीं करना चाहिए जो बेसिकली फाइब्रिन से बाइंड ना हो, पर ये नॉर्मल सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन को भी एक्टिवेट कर सकता है. सॉरी, सो कैन एक्टिवेट सर्क्यूलेटिंग
लास्ट में मुझे ये इसकी बहुत बड़ी बात, बहुत गंदी बात है, एंड इसी चीज की वजह से ये हिमोराज का शिकार बन जाता है। ठीक है, हिमोराज कॉज कर सकता है, ये बहुत बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ इसका ये भी है कि एक एंटीजेनिक है, और बहुत एंटीजेनिक है, स्ट्रेप्टोकोकस भी ये ऑर्गेनिज्म से आया है, फॉरन ऑर्गेनिज्म से आया है, ऑफ कोर्स तो ये एंटीजेनिक तो होगा ही। ठीक है, एंटीजन कॉज कर सकता है, तो एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन कैन बी फॉर्म, एंटीबॉडीज कैन बी फॉर्म। ठीक है, सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। मतलब अगर ये नेक्स्ट टाइम आया, दैट इज व्हाट इज नॉट गिवन सेकेंड टाइम, क्योंकि सेकेंड टाइम दिया तो फिर आपको ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है सेंसिटाइज है, तो एंटीबॉडीज आके डायरेक्टली इसको अटैक कर देंगे एसएसटीके को, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे, तो लेने का फायदा नहीं होगा ना। एंड अगर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा तो फिर इट विल लीड टू सम रिएक्शंस, अदर रैशेज एंड ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रैशेज भी कॉज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकता है, उसके साथ साथ ये हाइपोटेंशन भी कॉज करता है कभी कभी। दिस इज द मेजर इशू विद एसटीके, इसलिए इसको ज़्यादा करके यूज़ नहीं करते हैं एसटीके को। हालांकि इनएक्सपेंसिव है, थोड़ा कम पैसे वाला है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बट नहीं रूरल एरियाज में इसका ज़्यादा करके इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इसका कम पैसा लगता है ना, बट इसको यूज़ करना नहीं है बिकॉज ये प्रॉब्लम कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो एंटी से लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंटी से लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड टाइम इसको लेना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, नाउ अदर ड्रग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज यूरोकाइनेज, और नॉट यूरोकाइनेज, हाँ सर करें यूरोकाइनेज के बारे में बात करते हैं। यूरोकाइनेज जो हमारे पास है ना, वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट यूरोकाइनेज। अब मेरे पास यूरोकाइनेज भी है, मेरे पास इसके पास जो इसके पास जो है ना, जो हाइपोटेंशन कॉज करने वाली प्रॉपर्टी या फिर एलर्जी रिएक्शन वाली प्रॉपर्टी जो है, ये माइल्ड है, मतलब ये बहुत अच्छा है इस केस में, ये लफड़ा नहीं करता और डायरेक्ट एक्ट कर देता है, डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मोजन। ना टेंशन लेने का नहीं, डायरेक्टली वाले कुछ नहीं करेगा, एंड माइल्ड एलर्जिक एंड हाइपोटेंशन कॉज, तो वो भी एडवर्स इफेक्ट्स का भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं वैसे। ठीक है ना, यूरोकाइनेस के केस में। ओके, यूरोकाइनेस पे आप ध्यान रख सकते हो दैट इट इज़ बेसिकली कम फ्रॉम योर ह्यूमन यूरिन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, बट ज़्यादा करके इन प्रैक्टिस इट इज़ मेड फ्रॉम कल्चर्ड किडनी सेल्स। तो उसमें से अपने को यूरोकाइनेस जो है मिलता है। अदर ड्रग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज बेसिकली अल्टीप्लास। लेट्स टॉक अबाउट अल्टीप्लास। अल्टीप्लास भैया क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको टी हाफ के बारे में तो बताया नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस की टी हाफ इज बेसिकली समथिंग अराउंड 30 to 80 मिनट्स। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेस। और अगर मैं यूरोकाइनेस की बात करूँ तो इसका कुछ 10 से 15 मिनट बोल सकते हो आप। ओके, यू कैन से दैट मच, 10 से 15 मिनट। इसलिए इसको बेसिकली जो है इन दोनों को जो है ना, वी हैव टू बेसिकली गिव अ लोडिंग डोज, तब जाके जो है काम होता है। ये तो ये बहुत जल्दी करना हो जाएगा यार। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज अल्टीप्लास। अल्टीप्लास इज अ वेरी गुड ड्रग एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज। इसका भी टी हाफ बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट टी हाफ। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इसको स्लो स्लो इन्फ्यूजन में देते हैं। ठीक है ना, आधे घंटे तक हम लोग इन्फ्यूजन ही देते जाते हैं, तब जाके जो है इसका स्टेडी कॉन्सेंट्रेशन जो है रीच होता है ना। तो इसको स्लो इन्फ्यूजन में दोगे तो इसका शॉर्ट टी हाफ है, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अल्टीप्लास की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली इनएक्टिवेटेड। अच्छा, ये तो मेरे को पता नहीं अल्टीप्लास कहाँ से आता है। अल्टीप्लास इज डराइव्ड फ्रॉम आई रिमेम्बर अल्टीप्लास वाज फ्रॉम एंड अल्टीप्लास जो है हमारा, एक सेकेंड,
सो अल्टे प्लस इज बेसिकली फ्रॉम योर, अच्छा ठीक है, पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपको बताता मैं कि इट इज़ गेटिंग इनएक्टिवेटेड. हाँ, सो इट इज़ गेटिंग इनएक्टिवेटेड बाय PA1, PAI1. जैसे TPA कैसे इनएक्टिव होता था PAI1 से, वैसे ये भी इनएक्टिव हो जाता है इससे. प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ऊपर से हाइपोटेंशन एलर्जी रिएक्शंस तो नहीं ही है इसके अंदर, सो नो हाइपोटेंशन एलर्जी रिएक्शन डालो कुछ नहीं प्रॉब्लम. सो दैट वे एडवर्स रिएक्शंस के बेसिस पर अगर देखोगे तो एडवर्स रिएक्शंस इज वेरी लेस. ठीक है, मतलब हाइपोटेंशन, रैशेस देख लो तो ये बहुत ही माइल्ड है या फिर नहीं प्रेजेंट है ज़्यादा तो. बट इसको स्लो इन्फ्यूजन देना पड़ता है, वो तो प्रॉब्लम है ही. ठीक है, तो वो एक चीज़ है यहाँ पर. बाकी एंटीजेनिक तो है नहीं ना, यूरोकाइनेज आपका एंटीजेनिक था, इट वाज नॉट एंटीजेनिक. ये भी एंटीजेनिक नहीं है, ये दोनों एंटीजेनिक नहीं है. अल्टेप्लाज और यूरोकाइनेज दोनों ही नॉन एंटीजेनिक है, ये कुछ भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिल्कुल भी कॉज नहीं करते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. अच्छा, अब मैं आता हूँ टेनेक्टेप्लाज के पास, विच इज बेसिकली ड्राइव, विच इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टीपीए. तो टीपी जैसा ही है, और उसके जैसे क्या है ना, उसके पास एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कि हेमोराज का रेशियो बिल्कुल भी नहीं है. उसके बाद में उसके अंदर हाइपोटेंशन माइल्ड रिएक्शन जो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, इट इज़ नॉट गेटिंग इनएक्टिवेटेड बाई PAI1 ऑल्सो. ठीक है ना, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ टेनेक्टेप्लाज, इट इज RNATP, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए RDNA टेक्नोलॉजी से यहाँ पर बनाया. ओके, तो मतलब जैसा टीपी जैसा है ना, टीपी वैसा ही है, बराबर है. और ये इनएक्टिवेट भी नहीं होता, नॉट इनएक्टिवेटेड बाय PAI1. ऊपर से इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, लेस साइड इफेक्ट्स, नॉन एंटीजेनिक. कितने सारे अपने पास एडवांटेजेस है. फिफ्थ और एक पॉइंट है इसके पास कि इसको सिंगल IV बोलस में दे सकते हो, रुकने की जरूरत नहीं है आपको, स्लो इन्फ्यूजन देने की जरूरत नहीं है. सिंगल IV बोलस ओवर 10 सेकेंड्स में आपका काम खत्म हो जाएगा. यू डोंट हैव टू वेट लाइक अल्टेप्लास की, भाई आपको स्लो इन्फ्यूजन देने आधे घंटे तक, तब तक आपका काम होगा. तो यू कैन इवन गिव इन द केसेस ऑफ योर, अगर एम्बुलेंस एम्बुलेटरी है पेशेंट, अगर एम्बुलेंस में है तो उसको अगर आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट देनी है फटाफट, तो ही दे सकते हो उसको. दिस विल प्रूव टू बी वेरी नाइस. ओके, और अगर मैं ओवरऑल हमारे इसकी बात करूँ, ओवरऑल यूजेस ऑफ फैमिलाइटिस की बात करूँ, तो इट कैन यूज इन स्टॉपिंग योर, मतलब इट कैन यूज इन माइकोडियल इन्फेक्शन, अक्यूट माइकोडियल इन्फेक्शन. प्रोफाइलेक्टिक नहीं है बेटा, दिस इज़ नॉट प्रोफाइलेक्टिक, दिस इज नॉट क्रॉनिक डिजीज का, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. फाइब्रिनोलाइटिक्स को तो अक्यूट माइकोडियल इन्फेक्शन में इसको यूज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस. ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन केसेस वेयर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में भी इसको यूज कर सकते हो आप. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इसमें आप यूज़ कर सकते हो. नॉर्मली अपन यहाँ पर यूजेस डिस्कस नहीं करते वीडियो में, नॉर्मली हमने एक फीचर्स जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर देख लिए. ये तो नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा यूजेस पर मैं देखना है तो यू कैन ऑल्सो रेफर पीरियड रिपार्टी. इन दिस वीडियो वी कवर दिस मच, राइट? सो थैंक यू.